हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम साइंस क्विज। और इस क्विज में हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव करके लेकर के आते हैं, जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर के अंत तक जो है सही तरह से देखिए, इसको वॉच कीजिए। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी आगे आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें यह प्रश्न आपको काफी मददगार साबित होंगे, काफी उपयोगी साबित होंगे और आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का हमारा जो क्विज सेशन है उसका पांचवा भाग। और आज इस सेशन में जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वह है कि समय से पूर्व या कमजोर शिशुओं को इसमें रखा जाता है। यह एक पारदर्शी प्लास्टिक का पात्र होता है जिसमें ऑक्सीजन, नमी, तापमान आदि को नियंत्रित रखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्योंकि आजकल जब बच्चे 9 महीने से पहले, 6 महीने, 7 महीने में जब जन्म लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अंगों का सही तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है और उसके चलते कई तरह के परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनमें इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होता है, तो इसलिए उन्हें उस सारे चीजों से बचाने के लिए और उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो है जो एक प्लास्टिक का पात्र जो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सारे चीजों को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आपके समक्ष दिया गया विकल्प है, उसमें पहला है थर्मामीटर, दूसरा है इनक्यूबेटर, तीसरा है परामबुलेटर और चौथा है बेबी सीटर। तो इसमें से जो सही उत्तर है, अगर आप इसको एलिमिनेट करने के जो है पर्पस से जाएंगे तो ऐसे भी आप जानते हैं कि थर्मामीटर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के तापमान को मापने का एक यंत्र है। इनक्यूबेटर, तो यह इनक्यूबेटर ही जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है। और जो परामबुलेटर है यह दूसरे कामों में उपयोग आता है, बेबी सिटर जान ही रहे हैं कि बच्चों को घुमाने फिराने के लिए प्रयोग में आता है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वह है इनक्यूबेटर। अब दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है वह है कोलोस्ट्रम क्या है। तो कोलोस्ट्रम के बारे में, कोलोस्ट्रम और एक होता है कोलेस्ट्रॉल, दोनों में अंतर है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड्स है, वसा है और वह हृदय के लिए घातक होता है। लेकिन कोलोस्ट्रम क्या है? तो यह जो आपका है, आपके समक्ष विकल्प है, उसमें पहला है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, दूसरा अपने साथी को आकृष्ट करने हेतु कुछ पशुओं से उत्पन्न सुगंध, तीसरा है प्रसव के तुरंत बाद स्तनों से आने वाला पिताभ दूध, और चौथा है यकृत द्वारा उत्पन्न एक हार्मोन। तो अगर आप प्रश्नों का, इस प्रश्न का सही विकल्प देखेंगे कि सही विकल्प कौन है, तो इसके लिए आपको एलिमिनेटिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अगर आपको यह पता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन है 8 से 9 प्रकार के, उसमें से कोई भी कोलोस्ट्रम नामक हार्मोन नहीं होता, तो इसलिए पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इसमें उत्तर नहीं होगा। दूसरा है कि अपने साथी को आकृष्ट करने हेतु कुछ पशुओं से उत्पन्न सुगंध, तो यह उत्तर भी सही नहीं है क्योंकि इसके लिए एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हार्मोन का स्राव होता है, उसका नाम है फेरोमोन। फेरोमोन, फेरोमोन जो है वह कई कीटों वगैरह में भी जो है स्रावित होता है और उसके तहत जो है वह साथी को आकृष्ट किया जाता है। तो यह फेरोमोन
है, और यहां जो आपका प्रश्न दिया गया वह कोलेस्ट्रॉल है, तो यह भी नहीं होगा। जो तीसरा आपके समक्ष विकल्प है कि प्रसव के तुरंत बाद स्तनों से आने वाला पिताव दूध, तो यही उत्तर सही है, क्योंकि प्रसव के तुरंत बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है बच्चों को, तो उस जो दूध है जो ज्यादातर पीला लिए होता है, इसलिए इसका यहां पर दिया गया पिताव दूध। बहुत ज्यादा पीला होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें कई प्रकार के जो है तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे के लिए काफी लाभकारी होता है। यह उनके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसके अलावा उनके वृद्धि और विकास के लिए भी काफी जरूरी होता है। इसे गांव देहात में लोग खीस के नाम से जानते हैं, खीस। तो यह कोलेस्ट्रॉल जो है यह आपका सही उत्तर इसका ग होगा। और घ जो यकृत द्वारा उत्पन्न एक हार्मोन है, तो यकृत द्वारा हार्मोनों का स्राव नहीं होता है, तो ऐसे भी यह उत्तर गलत है, तो सही उत्तर ग है। अब जो तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है वह है सामान्यतः वृद्धावस्था में विकसित होने वाला रोग है, तो ऐसे वृद्धावस्था में कई प्रकार के रोग उभर आते हैं, लेकिन अब यहां जो आपके समक्ष विकल्प है वह क्या है यह देखना है। तो इसमें है प्रेस बायोपिया, दूसरा है एम्ब्लियोपिया, तीसरा है मायोपिया, और चौथा है हाइपर मेट्रोपिया। तो प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दृष्टि, और जरा का मतलब ही होता है कि जरा में ज में जो है एक नुक्ता लगा हुआ है, और जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो जरा दृष्टि से प्रेस बायोपिया को हिंदी में जरा दृष्टि कहते हैं, एम्ब्लियोपिया को मंद दृष्टि कहते हैं, और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपर जो मेट्रोपिया है उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, क्योंकि इससे नजदीक में जो छोटे अक्षर होते हैं वह 40 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाते हैं, और उन छोटे अक्षरों को देखने में उन्हें पढ़ने में परेशानी होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। जो एम्ब्लियोपिया है मंद दृष्टि, तो इसमें बचपन से लेकर के किसी भी अवस्था में अगर किसी कारण से आपका विटामिन ए की कमी है, या शरीर में और कोई परेशानी है, या आंख की पुतली वगैरह रेटिना वगैरह में कोई परेशानी है, तो यह मंद दृष्टि उत्पन्न हो सकता है। और जो निकट दृष्टि मायोपिया है, तो इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की चीजें अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो दूर की चीजें हैं वह आपके रेटिना से पहले उनका जो है पिक्चर बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता, और इसलिए वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और दीर्घ दृष्टि दोष में निकट की चीजें जो है नहीं दिखाई देती, तो यह किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन जो प्रेस बायोपिया है वह 40 वर्ष के बाद, यानी जैसे जैसे वृद्धावस्था शुरू होता है वैसे वैसे यह रोग उत्पन्न होना शुरू होता है। अब अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष, गैस्ट्रेटनल डायबिटीज किसे कहते हैं। अब डायबिटीज के कई प्रकार हैं, आप जो है देखिएगा, जब आप डायबिटीज पढ़ते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मेलिटस है, और डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और वह किस कारण से होता है वह भी आपको जानना है। एक जो है आपके एडीएच हार्मोन के प्रॉब्लम के कारण होता है, एडीएच हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन, और दूसरा जो है वह इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन जो हार्मोन जो अग्नाशय से स्रावित होता है। लेकिन यहां जो आपसे पूछा जा रहा है वह है गैस्ट्रेटनल डायबिटीज किसे कहते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है कि वृद्ध महिलाओं में जो होने वाला मधुमेह है उसे, दूसरा गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, तीसरा नवजात शिशु में मधुमेह, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह जो गैस्ट्रेटनल है वह गर्भावस्था के दौरान होने वाला उत्पन्न होने वाला मधुमेह है, और उस दौरान अगर महिलाएं चलती फिरती नहीं है ज्यादा, घूम टहल नहीं करती हैं, और खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं ज्यादा मात्रा में, चूंकि उस समय भूख लगता है, साथ में शिशु बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसके कारण वह ज्यादा मात्रा में अगर वह वैसे भोजन लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो इस दौरान
यह मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह है गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह। अगला जो प्रश्न है कि सिजेरियन सेक्शन किसे कहते हैं? अब जानते हैं कि सिजेरियन के द्वारा जो है बच्चों को जन्म करवाया जाता है, जब नॉर्मल डिलीवरी जो गर्भवती महिला है वो नहीं दे पाती, तब सिजेरियन जो है के द्वारा उनका चाइल्ड बर्थ करवाया जाता है, बच्चे का जन्म करवाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, वह है पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर प्रसव कराना, दूसरा है लोकल एनेस्थेसिया के अंतर्गत प्रसव कराना, तीसरा मानसिक रूप से परेशानी की स्थिति में प्रसव, और चौथा जुड़वा बच्चे का होना। तो इसमें जैसा भी बताया कि पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर प्रसव कराना यह उत्तर सही होगा, और लोकल एनेस्थेसिया के अंतर्गत प्रसव कराना, तो यह बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम होता है तब एनेस्थेसिया दिया जाता है, लेकिन ऐसे गर्भावस्था के दौरान यह एनेस्थेसिया दिया जाना उचित नहीं होता है, इससे कई प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एनेस्थेसिया के द्वारा जो है उनको सुन्न कर दिया जाता है, इससे जो है आप जानते हैं कि एनेस्थेसिया दिया जाता है जब बड़े वगैरह ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उन भागों को सुन्न करने के लिए, आपकी चेतना को सुन्न करने के लिए एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है। और मानसिक रूप से परेशानी की स्थिति में प्रसव के लिए जो है यह सिजेरियन नहीं किया जाता। तो पहला जो आपका ऑप्शन है क वह सही है। अगला जो प्रश्न है कि मधुमेह से ग्रस्त गर्भवती महिला के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो अभी आपने गेस्टेटेनल मधुमेह देखा था जो गर्भवती महिलाओं में होता है, तो मधुमेह से उस ग्रस्त गर्भवती महिला के संबंध में कौन सी बात सही है, विकल्प में क्या है? तो नपुंसक बच्चे को जन्म देने की अधिक संभावना, दूसरा उत्पन्न होने वाले बच्चे का वजन अधिक होना, तीसरा लड़की को जन्म देने की अधिक संभावना, और चौथा उपयुक्त सभी। तो अगर आप देखें तो गेस्टेटिनल जो आपका मधुमेह है, डायबिटीज है, उससे नपुंसक बच्चा जन्मने की संभावना नहीं होती, तो यह ऑप्शन गलत है, उसके अपने कुछ अलग रीजन होते हैं। दूसरा जो है उत्पन्न होने वाले बच्चे का वजन अधिक होना, तो अभी जैसे हम एक प्रश्न में गेस्टेटिनल डायबिटीज वाले उनको बताया था कि ज्यादा मात्रा में भूख लगता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और महिलाएं जब उतना वर्कआउट नहीं कर पाती हैं तो धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगता है, साथ ही बच्चे का भी वजन बढ़ने लगता है। तो यहां जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्पन्न होने वाले बच्चे का वजन अधिक होना, और लड़की के जन्म देने की अधिक संभावना, तो यह तो आप जानते हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में दो ही तरह के क्रोमोसोम है, एक ही तरह का क्रोमोसोम है एक्स एक्स, और पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो अगर एक्स जो क्रोमोसोम है वह महिला के दोनों में से किसी एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर इन्फ्यूज करती है, तो इन्फ्यूज अगर करता है तो उससे क्या होगा, लड़की का जन्म होगा, और अगर वाई करता है तो लड़के का जन्म होगा, तो इसलिए यह भी नहीं होगा, और उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर होगा लड़की, ये उत्पन्न होने वाले बच्चे का वजन अधिक होगा। अब अगला जो प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो किया था, तो उसमें ऑप्शन, क्योंकि यह लिपि उन्हीं के नाम पर है तो वो ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकांश लोग कर देंगे कि लुई ब्रेल जो है इसका आविष्कार किए हैं 1821 में, और वह खुद जो है एक दृष्टिहीन वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए चीजों को पढ़ने के लिए यह लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है, यह ब्रेल लिपि जिसमें जो अक्षर है वो उभरे हुए होते हैं, तो उसको उंगलियों से फिरा करके और उसको पहचानते हुए और उन अक्षरों को वो जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब आता है कि लुई ब्रेल जो थे उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन वो कौन से वैज्ञानिक थे? भारतीय वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। तो जानते हैं कि भारत वैज्ञानिक होगा नहीं, क्योंकि नाम ही पता चलता है, हालांकि जो हमारे यहां इंग्लिश रूल रहा अंग्रेजों का 200 वर्षों तक, 190 वर्ष तक वह हमारे भारत को गुलाम बनाए रखे, तो उसमें से कोई भी यहां व्यक्ति आकर के और इस तरह का कोई खोज कर सकता था, तो वो उसको हम भारतीय वैज्ञानिक के रूप में जान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है वह है फ्रेंच वैज्ञानिक, यह उत्तर क्षेत्र में फ्रांस के उत्तरी भाग में
एक छोटे से शहर में जन्म लिए हुए थे, लुई ब्रेल। 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इसको खोजा था। तो यह फ्रेंच वैज्ञानिक। अगला आपका है प्रश्न जो आठवां है कि वायु में सांस लेने को क्या कहते हैं, तो वायु में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में होगा इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंजेक्शन आप जान ही रहे हैं कि इंजेक्शन जो है जब हम दवा वगैरह जो है इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, ठीक है, इंजेक्शन सुई के द्वारा, तो उसको इंजेक्शन कहते हैं, तो वो होगा नहीं, सांस लेने का प्रक्रिया इंजेक्शन है नहीं। अब दूसरा क्या है, इनहेलेशन। तो जो हम अंदर सांस खींचते हैं तो उसको इनहेलेशन कहा जाता है, और जो बाहर निकालते हैं उसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो यह सांस छोड़ने, लेने और छोड़ने का क्रिया है, जिसे कभी कभी लोग भूलवश श्वसन कह देते हैं, लेकिन वह श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। और जो श्वसन मूलतः होता है वह कोशिका, और कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, जो हम अंदर सांस लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पादपों में होता है, और सही उत्तर इसका इनहेलेशन है। एक्सपायरेशन आप जान ही रहे हैं, किसी चीज का, सामान का जो है एक्सपायर कर जाना उसका डेट, तो यह होगा नहीं, तो यह होगा इनहेलेशन। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि किस रोग में इनहेलर सबसे अधिक लाभदायक हो सकते हैं। तो बहुत लोगों को आपने बस या ट्रेन की यात्रा के दौरान इनहेलर लेते हुए देखा होगा, क्योंकि वह कुछ विशेष रोगों से ग्रसित होते हैं जिसके कारण उन्हें बार बार इनहेलर लेना पड़ता है जब श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आपके समक्ष जो विकल्प है उसमें है तपेदिक, लकवा, मधुमेह और दमा। तो इसका सही उत्तर है दमा। दमा के रोगी जो है इनहेलर लिया करते हैं, और जो ऊपर के तीनों विकल्प हैं वह इसमें सही नहीं है। अब आपके समक्ष जो अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, वह है कि एक बच्चे को किस अवस्था तक शिशु कहा जा सकता है। तो अलग अलग जो है वर्ष के बाद उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है जो बच्चे जन्म लेते हैं। तो जब वह कुछ समय तक का होते हैं तो उन्हें शिशु कहा जाता है। तो आपके समक्ष जो विकल्प है उसमें एक वर्ष तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, या एक माह तक के बच्चों को, या छह माह तक के बच्चों को, या एक दिन के बच्चों को। तो इसमें उत्तर आपका है एक वर्ष के बच्चों को। तो आशा है कि आप हमारे आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से लाभान्वित होंगे, और हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपके समक्ष अगले दिन उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।